जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आकारिक व कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उनके कार्यों के बारे में आकार साइज वगैरह का अध्ययन करते हैं तो वो जीव विज्ञान है। जीव जंतुओं के विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे बड़ा और भारी स्तनी कौन सा है? नीली व्हेल। सबसे बड़ा स्थली स्तनी अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल यानी कि समुद्री कछुआ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शतुरमुर्ग। सबसे बड़ा सर्प यानी सांप पाइथन। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे छोटा पक्षी हैमिंगबर्ड। सबसे छोटा स्तनी छुछुंदर। सबसे बड़ा अंडा किसका है? शुतुरमुर्ग। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु चीता। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कटिपुंज पक्षी स्थाइनी टेल्ड स्विफ्ट भी कहते हैं इसको, स्थाइनी टेल्ड स्विफ्ट। स्विफ्ट वैसे भी सबसे तेज गाड़ी होती है, इसी के नाम से है कटिपुंज पक्षी स्विफ्ट। नेक्स्ट इज अंड प्रजनक स्तनी स्तनी एकिडना और डकबिल प्लेटिस्पस। अंड जरायु स्तनी कंगारू। सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ अफ्रीकन जिराफ। विचेली मछली शेफ स्टोन शिप या लायर फिश, शेफ स्टोन फिश या लायर फिश विशेली मछली। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पर है? चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम मुंबई। विश्व में सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका। मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अस्थियों की कुल संख्या 206। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज कान के बीच में होती है मिडल ईयर में। सबसे लंबी अस्थि जंघा की यानी लेग में होती है फीमर, जांघ की थाई के अंदर होती है फीमर। केशरुकाओं की कुल संख्या 33। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर। यकृत का भार पुरुषों में 1.4 से 1.8 किलोग्राम और महिलाओं में यकृत का भार थोड़ा सा कम है 1.2 से 1.4 केजी यानी किलोग्राम। सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय हार्ट सबसे ज़्यादा व्यस्त रहता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता यकृत। सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता मस्तिष्क। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि। शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में रुधिर की मात्रा ब्लड कितना होता है? 5.5 लीटर। RBCs का जीवन काल 120 डेज 120 दिन। WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन। रुधिर का थक्का बनने का समय
3 to 6 मिनट, 3 से 6 मिनट लग जाते हैं रुधिर का थक्का बनने में। सर्वग्राही रुधिर वर्ग 3 to 6, सर्वदाता रुधिर वर्ग। सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है ओ ग्रुप वाला। सर्वग्राही में कुछ गड़बड़ लग रही है। सामान्य रुधिर दाब यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 Hg, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80 Hg। हृदय गति 72 times in a minute, 72 बार 1 मिनट में दिल धड़कता है। वक्र का भार 150 ग्राम। मस्तिष्क का भार, हमारा जो माइंड होता है कितना है, 120 से 400 ग्राम, सॉरी 1220 से 1400 ग्राम है। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या, क्रेनियल तो हैं 12 जोड़ी और स्पाइनल हैं 31 जोड़ी, स्पाइन में जो होती हैं। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, फर्स्ट इज एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, एकोस्टिक्स। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र भी कहते हैं इसको। इसके अंतर्गत ग्रह उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोनॉटिक्स इसमें अंतरिक्ष की यात्रा करने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एरोनॉटिक्स इसमें वायुयान संबंधी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी यह ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है। निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करना क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट इज होलोग्राफी, इसमें लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली विधि का अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी यह माप विज्ञान की शाखा से संबंधित है। M for मेट्रो, M for माप।